भगवान शिव भगवती परम्बा पार्वती के साथ। रति कीरा में संलग्न है, बहुत दिन व्यतीत हो गए। देवता सब फिर दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह कोई उपाय तो करो। अगर भगवान शिव के द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं होगी तो इस असुर का वध कैसे होगा? और शादी हुए इतने दिन हो गए, बिहार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई शुभ समाचार नहीं मिला। तो सभी देवता मिलकर के कैलाश पर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि महाराज जिस कार्य के निमित्त आपका विवाह संपन्न हुआ वो कार्य अभी अधूरा है, आप उस कार्य को पूर्ण करें। अभी तक कोई मंगल समाचार श्रवण करने को नहीं मिला, भगवान शिव से जब प्रार्थना की तो भगवान शिव ने कहा, भैया देवताओं हमारे इस शक्ति को धारण कौन करेगा? किसके अंदर इतना सामर्थ्य है, शक्ति है? जो धारण करे प्रभु अब कृपा कर दो। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। भगवान शिव ने शक्तिपात की, और जब भगवान शिव ने शक्तिपात की तो उस शक्ति को एक कपोत ने ग्रहण कर लिया। जब कपोत ने उस शक्ति को ग्रहण कर लिए तब पार्वती को बड़ा क्रोध आया कि देखो इस कपोत का इतना दुस्साहस कि हमारे भोलेनाथ की शक्ति को ये ग्रहण कर ले। इतनी दुस्साहस
अब कपूत भगवती परा अंबा के भैंस भागा और उस कपूत से शक्तिपात हो गए। जब शक्तिपात हुआ अब उस शक्ति को रोकना है, अब उस शक्ति को कैसे रोका जाए, तो उस शक्ति को भगवान शिव की शक्ति को देवताओं ने ग्रहण कर लिया। अब जैसे ही देवताओं ने ग्रहण की, अब देवताओं का शरीर जलने लगा। अब घबराए देवता, क्या करें? सारे शरीर में ऐसा लगता है जैसे आग लग गई। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज सारे शरीर में अग्नि लग चुकी है, इसका निवारण कोई हो तो आप बताएं। देवताओं से कहा कि देखो, प्रयागराज जाओ, जो तुम्हें सबसे पहले जिस स्त्री का दर्शन हो उसे ये शक्ति प्रदान कर। प्रयागराज गए, वहां पर शक्ति ऋषियों की पत्नी गंगा स्नान के लिए आ रही थी। तो एक तो स्त्री अलग हो गई, छह जो सप्त ऋषियों की पत्नी थी उसने उस शक्ति को धारण कर लिया। अब जब वो धारण की घर आई, ऋषियों ने देखा, ऋषियों ने देखा, अरे मैंने तो इसके साथ काम क्रीड़ा किया नहीं, फिर इसने गर्भाधान कैसे किया? ऋषियों ने कहा, तुम व्यभिचारिणी हो, त्याग दो।
और हिमालय पर जाकर के तपस्या करने लगे। तप कर रही है, तपस्या करते करते शक्तिपात हुआ और गंगा के प्रवाह में वो गिर गया। छह भाग गंगा के प्रवाह में गिरा उस शक्ति का। गंगा मैया ने अपने हिलोरों से उस छेओ को एक कर दिया। अब गंगा मैया भी उस शक्ति से व्याकुल हो गई। तब जा करके सरकंडे के जंगल में उस शक्ति को छोड़ दिया। वो बालक रोने लगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
अब उस सरकंडे के जंगल में वो बालक रोने, कृतिका ने देखा उस बालक को रोते हुए, उठा लिया, उठा करके और स्वर्ग को ले गई और अपना दुग्ध पान कराई। इधर पार्वती बड़ी व्याकुल, भगवान के शिव के जो शक्तिपात हुआ उस शक्तिपात से जो बालक उत्पन्न हुआ वो कहां है, मेरा पुत्र कहां? बार बार भोलेनाथ से कहती है कि मेरे पुत्र को लेकर के आओ, मेरा पुत्र कहां? मेरे पुत्र को लेकर के आओ। तब भगवान भोलेनाथ ने समस्त देवताओं को बुलाया, सारे देवता आए, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, महाराज हम लोगों को कैसे याद किया? भगवान शंकर ने कहा कि हमने जो शक्तिपात की थी वो बालक कहा? देवताओं ने कहा महाराज वो बालक अब इस समय कृतिका के पास स्वर्ग। इनका जन्म शुक्ल पक्ष षष्ठी को हुआ था, कृतिका नक्षत्र। भगवान शिव के कहने पर उस बालक को लाया गया। बालक बड़ा बलशाली तेजस्वी, बड़े उत्सव हुए कैलाश पर। भगवती परम्बा आदि शक्ति बड़ी प्रसन्न है, उस बालक को विश्वामित्र जी महाराज ने उपदेश दिया। अपनी पूरी अस्त्र शस्त्र विद्या दी, बालक ने कहा आपने मुझे ज्ञान का उपदेश दिए, ब्रह्म ज्ञान का आपने सदुपदेश दिए, आप मेरे गुरु हुए, गुरु कई प्रकार के होते हैं, पहला गुरु मां है,
दूसरा गुरु जो संस्कार कराता है, देखो गुरु जैसे दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु थे, जहां जहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस सब को उन्होंने गुरु बनाया। कपोत को, अजगर को, मधुमक्खी को, आकाश को, पृथ्वी को, समुद्र को, कन्या को, वेश्या को, मधुहारी को, मछली को, मीन को, इस प्रकार से उन्होंने 24 गुरु बना लिए। तो जहां से हमने ज्ञान की को प्राप्त किया एक लौकिक ज्ञान होता है, एक पारलौकिक ज्ञान होता है। लौकिक ज्ञान में ये मेरा मकान है, ये घर है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये इतने पैसे हैं, ये फैक्ट्री है, ये दुकान है, ये अपने हैं, ये पराए हैं, ये सगे हैं, संबंधी है, ये भाई है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये लौकिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान। जो पारलौकिक ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो शब्द ज्ञान है, जो शब्द ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए उस ब्रह्म का बोध करा दे, जो ब्रह्म के विषय में बता दे, क्योंकि लौकिक ज्ञान में, सांसारिक ज्ञान में भी आप देखिए, उसमें भी हमको कोई बताता है तब हम जानते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो मां बताती है ना कि ये बाल है, ये आंख है, ये नाक है, ये मुख है, ये दांत है, ये अंगुली है, ये हाथ है, ये पैर है, ये पेट है, मां ये सेब है, ये केला है, ये भालू है, ये हाथी है, ये घोड़े हैं, ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे ताऊ है, ये दादी है, ये दादा है, ये सब ज्ञान मां करवाती है ना। तो जिस प्रकार से सांसारिक ज्ञान मां करवाती है, उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता गुरु जो है हमको क्या कराता है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान
ब्रह्म के विषय में जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष है जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है वो हमको बताते हैं ईश्वर के विषय में। तो इसी प्रकार से जैसे कि शब्द ही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म का कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई स्वरूप नहीं, जैसे हम बोलते हैं तो जो शब्द निकलता है इसका कोई रंग रूप नहीं है, कोई अगर कहे कि शब्द का क्या रंग रूप है, मोटा पतला बड़ा छोटा कैसा है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि जिसका कुछ है ही नहीं। शब्द तो विराट है, जैसे आकाश विराट है, किसी से कोई कहे पूछे कि भैया आकाश की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कोई नहीं बता सकता। क्योंकि वो अनंत आकाश है, इसलिए ब्रह्म भी अनंत है। तो जो उस अनंत का भान करा दे, ज्ञान करा दे, उसके विषय में बता दे, कि वो क्या वस्तु है, तो वही क्या है, गुरु। जिसके विषय में ब्रह्म ज्ञान करा दे, वो क्या है, गुरु। तो कार्तिकेय जी को विश्वामित्र जी ने उपदेश दिया, क्योंकि गुरु दक्षिणा के बगैर कुछ नहीं होता। अब गुरु दक्षिणा में गुरु क्या मांगेगा, ये गुरु के ऊपर निर्भर करता है। गुरु दक्षिणा अपने मन से नहीं दी जाती है,
गुरु दक्षिणा गुरु के मन से होता है। आपने कथा सुना होगा महाभारत, गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य की अंगूठा मांग ली, गुरु दक्षिणा, और एकलव्य ने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने अंगूठे को दे दिया काट कर। इसी प्रकार से पहली बात तो आप ही समझे कि गुरु को आप दे क्या सकते हो, आपके पास सामर्थ्य नहीं है। ये आपने 10 रुपए 100 रुपए 500 रुपए गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया और आपने सोचा बहुत चीज दे दिया, ये तुम्हारी भूल है, ध्यान रखना। गुरु ने जो वस्तु तुम्हें प्रदान की है जो अमूल्य रत्न तुम्हें प्रदान की है जिसका कोई कीमत नहीं है तुम्हें 1000 2000 से तुम उस वस्तु को आंकना चाह रहे हो, कीमत बढ़ाना चाह रहे हो। उस अमूल्य रत्न को कागज के टुकड़ों से नहीं आंकी जाती, जो गुरु ने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया है गुरु ने जो शब्द ज्ञान तुम्हें प्रदान की है ये मामूली कागज के टुकड़ों से आंकने की वस्तु नहीं है। कहा तो गया अगर तुम अपना सिर भी काट करके उसके बदले दे दो तो भी सस्ती है, कार्तिकेय जी ने कहा गुरु दक्षिणा क्या चाहिए, आपने मुझे उपदेश दिए तो उसके बदले तो कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा तो बनता है देना। विश्वामित्र जी ने कहा कुमार पहली बात योग्य अगर शिष्य हो, योग्य का मतलब जो गुरु के वचन को अपना कर्तव्य समझ ले, जो
जो गुरु के वचन को अपना कर्म समझ ले, गुरुदेव ने जो कह दिया मेरे लिए शिरोधार्य है। गुरु महाराज एक उदाहरण सुनाया करते हैं प्रायः। एक बार बड़े घर के लड़का किसी संत के पास, प्रभु मुझे आप अपना शिष्य बना लो। स्वामी बनना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन सेवक बनना। सबसे सेवक धर्म कठोर, सेवक बनना बड़ा आसान है लेकिन सेवक के धर्म का निर्वाह करना अत्यधिक कठिन है। शिष्य बनना बड़ा आसान है लेकिन शिष्यत्व धर्म का निर्वाह करना अत्यधिक कठिन। उन्होंने कहा अच्छा तू अपने मन से करेगा मेरे मन से? गुरुदेव आपके मन से करूंगा, जो आप आज्ञा देंगे वो करूंगा। अच्छा तो गुरुजी ने परीक्षा ली, बड़ा घर का लड़का है, गुरुजी ने कहा देखो ये पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के ऊपर मेरे लिए एक कमरा बनाना है। नीचे से ईंट भी ढो करके तुमको ही ले जाना, नौकरों से नहीं काम करवाना है, ईंट भी ढो करके तुमको ही ले जाना है। सीमेंट रेतिया भी तुमको ही ढो के ले जाना है, पानी भी तुमको ही ढो के ले जाना है और अपने ही हाथ से, मिस्त्री को भी नहीं लगाना है, अपने ही हाथ से मेरे लिए कमरा बनाना है। ओ बेचारा बड़े घर का लड़का, कभी काम किया नहीं लेकिन फिर भी गुरुजी से ये नहीं कहा गुरुजी अकेले में क्या करूंगा, आज तक मैंने कोई काम किया नहीं हूं, आप कह रहे हो जो कि तुम्हें स्वयं करके ले जाना पड़ेगा तो ये कैसे होगा? कोई प्रश्न कोई उत्तर नहीं। गुरुदेव की आज्ञा है तो ठीक है,
ईंट ढो करके ले जा रहा है, सीमेंट बजर फूट ले जा रहे, रेतिया ले जा रहे, पानी ले जा रहा, और अपने हाथ से गुरु जी के लिए बन गए। जब बन गया गुरु जी के पास आए, गुरु जी आपने कहा था मेरे लिए कमरा बनाना, तो कमरा बन करके तैयार हो। अच्छा, कमरा बन के तैयार हो गया, उस कमरा को तोड़ दो। अब सोचो, जिस बच्चे ने कभी काम किया नहीं, गुरु जी की आज्ञा हुई ईंट उठा करके ले जाओ, स्वयं ले जाओगे, रेती स्वयं ले जाओगे, पानी स्वयं ले जाओगे, किसी मिस्त्री को नहीं, किसी नौकर को नहीं, किसी मजदूर को नहीं लगाओगे, और स्वयं अपने हाथों से मेरे लिए कमरा बनाओगे। वो बेचारा भूखा प्यासा इतना मेहनत करके पहाड़ी पे सामान ले गया, ले जा करके ऊपर अपने हाथ से बनाया, और बनाने के बाद गुरुजी को कहा तो गुरुजी ने कहा तोड़ दो। अब एक बार गुरुजी ने देखे तक नहीं, अरे चलो देख लेते तो कम से कम संतुष्टि हो जाती कि चलो गुरुजी ने, हमने इतना मेहनत किए, गुरुजी ने देख लिए संतुष्ट। गुरुजी ने देखे तक नहीं, सुनते ही से कहा तोड़ दो। लेकिन उस बच्चे ने एक बार भी प्रश्न उत्तर नहीं किए कि गुरुजी इतना मेहनत से पहली बार मैंने बनाया है और आपने देखा तक नहीं और आपने कह दिया तोड़ दो, एक बार कम से कम देख तो लो। कुछ नहीं, गुरुजी ने कहा तोड़ दो तो तोड़ दो। जाकर तोड़ दी। गुरुजी तोड़ दी, तोड़ दिए, हाँ तोड़ दी, फिर बना दो। बताए इतनी मेहनत करके बनाया, गुरुजी ने कहा बगैर देखे हुए तोड़ दो, तोड़ दिया। अब फिर गुरुजी करे बना, लेकिन उस बच्ची ने एक बार भी उस युवक ने कोई प्रश्न नहीं किंतु परंतु का। गुरुजी ने कहा बनाओ, बना दिया। गुरुजी ने कहा तोड़ दो, तोड़ दिया। गुरुजी कहा फिर बनाओ, फिर लग गया। फिर जब बन गया, आ करके कहा गुरुजी बन गया। अच्छा बैठो बेटा, एक बात बताओ, तुम कभी घर में एक गिलास पानी भी अपने हाथ से उठा करके नहीं पिए? मैं जानता हूं तुम्हारे घर में तमाम नौकर चाकर लगे, लेकिन तुमने मेरे पास आए दीक्षा के निमित्त गुरु बनाने के लिए। मैंने तुमसे पूछा अपने मन से करोगे सेवा मेरे मन से? तुमने कहा गुरुजी आपके मन से। मैंने तुमसे कहा कि उस सुपारी के चोटी पे मेरे लिए कमरा बनवाओ,
अपने हाथों से बनाना। नीचे से ऊपर सारी सामग्री अपने आप लेकर के जाना, किसी नौकर से नहीं, किसी राजमिस्त्री से नहीं, किसी से कोई काम मत करवाना। तुम ले गए बनाए, तुमने आकर के कहा गुरुजी बन गया है, मैंने कहा तोड़ दो, तुमने तोड़ दिया। आकर के बताए गुरुजी टूट गया, मैंने कहा फिर बना दो, फिर तुमने बना दिया। लेकिन तुमने एक बार भी प्रश्न उत्तर नहीं किए कि गुरुजी इतनी मेहनत से ले जा करके बनाया, आपने तोड़वा दिया, बगैर देखे तुमने कोई प्रश्न नहीं किया। उस युवक ने कहा गुरुजी जब मैंने अपने आप को के चरणों में मैंने अपने आप को अर्पण कर दिया तो प्रश्न करने का कोई प्रश्न सवाल ही नहीं। फिर तो ये शरीर ये मन सब आपका है, आपको जैसे उसको यूज करना चाहे यूज कीजिए, मिसयूज करना चाहे मिसयूज कीजिए, ये तो आपकी वस्तु है। जो वस्तु आपकी है आप कैसे उसका प्रयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे भाई बहन गुरु को जो ज्ञान है गुरु ने हमें दिया है उसके बदले तो केवल हम अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। और सच्चा गुरु दक्षिणा तो वही है जो अपने आप को समर्पित कर दिया। हे नारद कुमार को कृतिका के पास स्वर्ग से लाया गया कैलाश, उनका अभिषेक किया गया। अभिषेक के पश्चात कार्तिकेय आज भगवती पराम्बा पार्वती पर आप प्रसन्न है। कार्तिकेय जी का जी
देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए तारकासुर से बड़े भयंकर युद्ध हुआ। गदा की, परश की, बाणों की मल युद्ध भी हुआ और अंत में तारकासुर का बद्ध करके और देवताओं को कार्तिकेय जी ने निर्भयता प्रदान की। हे नारद, क्रौंच पर्वत पराही परेशान था इन असुरों से। भगवान कार्तिकेय ने उनको बाणासुर अप्रलंब का वध करके और कैलाश पर्वत लौट करके आए। एक बार भगवती परांबा आदि शक्ति महामाया पार्वती अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उन्होंने कहा कि देखो, सहेलियों ने कहा पार्वती, भगवान शिव के कितने गण हैं, जो हर समय भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हैं। निरंतर उनकी आज्ञा का पालन करते रहते। तुम भी कोई ऐसा अपना निजी कोई तो तुम्हारा हो जो तुम्हारे हर आज्ञा का पालन करे। पार्वती के सहेलियों ने कहा, जब उसने कही तो पार्वती जी उस समय तो कुछ नहीं कही। एक रोज स्नान कर रही थी तो पार्वती ने दरवाजे पर नंदी को खड़ा कर दिया।